दोस्तों चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियाँ जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आचार्य चाणक्य की नीतियाँ बहुत ही सटीक हैं और जो भी व्यक्ति इन्हें अपने जीवन में उतार लेता है वो बड़ी बड़ी परेशानियों को भी आसानी से दूर कर सकता है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य के द्वारा बताई गई चार ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जो कोई भी किसी दूसरे को कभी सिखा नहीं सकता। दोस्तों कृपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे और वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली बात दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार कोई भी व्यक्ति कितना दानवीर है ये उसके स्वभाव में ही रहता है। किसी भी इंसान की दान शक्ति को कम करना या फिर बढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। ये आदत व्यक्ति के जन्म के साथ ही आती है, इसलिए किसी भी व्यक्ति की दान करने की क्षमता को कम या फिर ज्यादा नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार ही दान पुण्य करता है। दूसरी बात दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सिखाया जा सकता कि वो किस समय और कैसे डिसीजन लें। दोस्तों जीवन में हर पल अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं, ऐसे में सही या गलत का डिसीजन व्यक्ति को स्वयं ही करना पड़ता है। जो व्यक्ति समय पर उचित और अनुचित का फर्क समझ लेता है वो जीवन में कई उपलब्धियां हासिल करता है। ये गुण भी व्यक्ति के जन्म के साथ आता है। तीसरी बात दोस्तों, चाणक्य के अनुसार धैर्य एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को हर विपरीत परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। धैर्य से बुरे समय को दूर किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति हर काम जल्दबाजी में करता है, बिना विचारे ही तुरंत कोई फैसला कर लेता है तो वो बाद में हानि उठाता है। ऐसे लोगों को धैर्य की शिक्षा देना भी समय की बर्बादी है क्योंकि ये गुण भी जन्म के साथ व्यक्ति के स्वभाव में रहता है। चौथी बात दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं यदि कोई व्यक्ति कड़वा बोलने वाला है तो उसे लाख समझा लो कि वो मीठा बोले, लेकिन वो अपना स्वभाव लंबे समय तक के लिए नहीं बदल सकता। जो व्यक्ति जन्म से ही कड़वा बोलने वाला है उसे मीठा बोलना कभी सिखाया नहीं जा सकता, और ये आदत भी व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसके स्वभाव में शामिल रहती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोजाना इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।